हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज माही। दोस्तों अगर आप मिस्टर एंड मिसेज माही मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको मिस्टर एंड मिसेज माही मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म का एक रिव्यू भी देंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप 10 मिनट की भी हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था, जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफर में उसकी कोचिंग की। दोस्तों ये है जी इस मूवी की स्टोरी, जो कि हमने आपको बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब, राजकुमार राव साहब, वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नजर आएगा। और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों, और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है तो, और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नजर आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और जेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर ली। और जब क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। और इसके साथ प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज का तावन भी इनके साथ है और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है। और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में
प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि इन सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव, और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोड की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशरवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है अदेश, और उसके संग विशाल मिश्रा, तनशिक बागची, जानी इचनत, योवा हानी, बोनी धोर्फ ढावला, और स्कोर जोहन स्टीवन धूरी, प्रोडक्शंस कंपनीज ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोस, डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस, रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024, रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है, कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं, अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो रीडायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं, और राजकुमार जो है ना यहाँ रीडायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है, और इसकी जो पैदाइश है वो दोस्तों 1984 में हुई, और इसकी जो इस टाइम मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों कोई 39 साल, और गढ़गांव हरियाणा इंडिया, अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री ट्यूब ऑफ इंडिया, पेशा वराना अदाकार, फॉल साल 2010 सा हाल का मुकम्मल फहरिस्त, श्री खयात पुत्र लखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, और उनके 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं, और कई तारीफों के वसूल करदा है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया, और फिल्मों गेम्स ऑफ वाद से पोर्ट लाट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012, इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की, और शहद और जिक्र में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मंगल किरदार के साथ आगे बढ़े, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मंगल अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने आज़ाद फिल्मों ट्रैप्ड 2016 और न्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ साबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार, और दूसरा फिल्म फेयर प्लेट्स अवार्ड जीता था, और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी, और तंजिया था लाडू 2010, मोनिका ओमाई डार्लिंग 2022 और दे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मज़ीद तारीफें हुई, और इन्होंने बधाई
बधाई दो। 2022 में एक करीबी हमजिंस प्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फिर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था, जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों, ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जुनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफर में उसकी कोचिंग की। दोस्तों, ये है जी इस मूवी की स्टोरी, जो कि हमने आपकी बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब, राजकुमार राव साहब, वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा। और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों, और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी मूवी होगी। तो बहरहाल अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नजर आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और जेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों, फिल्म फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी, उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा और इसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। तो इसका प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है और इसके अलावा जी स्टूडियोज का तावन भी इनके साथ है और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि इन्होंने सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोल के नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशरवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और
गाने वगैरह लिखे हैं, तो उसका नाम है देश, और उसके साथ विशाल मिश्रा, तनशिक बागची, जानी इचनत, योवा हानी, भोनी धोर्व, ढाला और स्कोर, जोहन स्टीवन, धूरी प्रोडक्शंस कंपनीज, ड्रामा प्रोडक्शंस, जी स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जिस मूवी में मेन किरदार कर रहे हैं उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो हरी डायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं। और राजकुमार जो है ना यहाँ हरी डायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है और इसकी जो पैदाइश आई वो दोस्तों 10 अगस्त 1984 में हुई, और इसकी जो इसका मौजूदा उम्र है वो है उन दोस्तों कोई 39 साल। और गढ़गांव हरियाणा इंडिया, अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेशा वराना अदाकार, फाल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त, श्री खयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, और उनकी 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल भी कर वसूल करदा है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया, और फिल्मों गेंद और वाद से पूर्व लाट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की, और शहद और जिक्र में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मांगन किरदार के साथ आगे बढ़े। इसके बाद इन्हें बेहतरीन मांगन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने आज़ाद फिल्मों ट्रैप्ट 2016 और न्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ साबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार, और दूसरा फिल्म फेयर प्लेट्स अवार्ड जीता था, और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी ओ तंजिया था, लाडू 2010, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और बे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मज़ीद तारीफें हुई, और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हम जिन्स प्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है, और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है।
इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था, जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों, ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जुनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफर में उसकी कोचिंग की। दोस्तों, ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपके बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब राजकुमार राव साहब वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों। और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नज़र आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और जेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नज़र आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नज़र आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों, फिल्म फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। और इसके साथ प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने की है और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज़ का तावन भी इनके साथ है और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि इन सारों ने मिल के मूवी बनाई है। सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोल की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशरवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है अदेश और उसके संग विशाल मिश्रा तनशिक बागची जानी इचनत योवा हानी भोनी ध्रुव ढाला और स्कोर जोहन स्टीवर पेधूरी प्रोडक्शंस कंपनीज ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है
इसकी जो 31 मई 2024 रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार कर रहे हैं, अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो हरी डायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं। और राजकुमार जो है ना यहाँ हरी डायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है और इसकी जो पैदाइश आई वो दोस्तों 1984 में हुई और इसकी जो इस टाइम मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों कोई 39 साल। और गढ़गांव हरियाणा इंडिया, अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेशा वराना अदाकार, फॉल साल 2010 हाल का मुकम्मल फहरिस्त, श्री खयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं और उनकी 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नजर आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल भी वसूल करता है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया और फिल्मों गेम्स ऑफ वाद से पोर्ट लाट 2 और द लास्ट दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की और शहद और जिक्र में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मांग किरदार के साथ आगे बढ़ इन जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मांग अदाकार फिल्म से रोला मिला। उन्होंने आज़ाद फिल्मों ट्रैप 2016 और ल्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ सबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार और दूसरा फिल्म फिर प्लेट्स अवार्ड जीता था और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और तनजिया था लाडू 2010, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और दे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मज़ीद तारीफें हुई और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हमजिंस प्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं।
वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जुनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफ़र में उसकी कोचिंग की। दोस्तों ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब, राजकुमार राव साहब, वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा। और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों, और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है तो, और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नज़र आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी, और जयेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नज़र आएंगे। अभिषेक बनर्जी पुरनिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नज़र आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया, फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा, और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। और इसका प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है, और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज़ का तावन भी इनके साथ है, और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है, और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे। यानी कि उन्होंने सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव, और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोल के नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशलवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है देश, और इसके साथ विशाल मिश्रा, तनशिक बागची, जानी इचनत, योवा हानी, भोनी ध्रुव ढावला और स्कोर जोहन स्टीवन धूरी, प्रोडक्शंस कंपनीज ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं, अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो रीडायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं, और राजकुमार जो है ना यहाँ रीडायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है,
और इसकी जो पैदाइश आई वो दोस्तों अगस्त 1984 में हुई, और इसकी जो इस टाइम मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों कोई 39 साल, और गढ़गांव हरियाणा इंडिया, अलमा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री टू ऑफ इंडिया, पेशा वराना अदाकार, फाल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त, श्री हयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त, राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, और उनके 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल करता है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा दस से अपनी अदाकारी का आगाज किया, और फिल्मों गेम्स ऑफ वार से पोर्ट लॉट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का कई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की, और शहद और जिक्र में वकील शर्मा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मांग किरदार के साथ आगे बढ़ी, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मांग अदाकार फिल्म का रोला मिला। उन्होंने आज़ाद फिल्मों ट्रैप 2016 और ड्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ साबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार, और दूसरा फिल्म फिर प्रिट्स अवार्ड जीता था, और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी हिस्ट्री 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और तंजिया था लाडू 2010, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और बे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मजीद तारीफें हुई, और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हमजिंस प्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था, जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी, और इस सफ़र में उसकी कोचिंग की। दोस्तों ये है जी इस मूवी की स्टोरी, जो कि हमने आपको बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं
वो जी राव साहब, राजकुमार राव साहब वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा। और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों, और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नज़र आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी, और जयेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नज़र आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नज़र आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों, फिल्म फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकतें में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी, उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा, और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। और इसके साथ प्रोड्यूस बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है, और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज़ का तावन भी इनके साथ है, और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है, और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे। यानी कि इन सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव, और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोड की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशरवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है अदेश, और उसके साथ विशाल मिश्रा तनशिक बागची जानी किचनत योवा हानी भोनी धोर्फ ढाला और स्कोर जोहन स्टीवर धूरी प्रोडक्शंस कंपनीज ड्रामा प्रोडक्शंस इजी स्टूडियोस डिस्ट्रीब्यूट बाय इजी स्टूडियोस। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं, अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो रीडायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं। और राजकुमार जो है ना यहाँ रीडायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी उसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है, और इसकी जो पैदाइश है वो दोस्तों 1984 में हुई, और इसकी जो इस टाइम मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों कोई 39 साल, और गढ़गांव हरियाणा इंडिया अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पेशा वराना अदाकार फॉल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त श्री खयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त
राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, और उनकी 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल करदा है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया, और फिल्मों गेम्स ऑफ वास से पूर प्लाट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की, और शहद और जिक्र में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें, 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मंगल केदार के साथ आगे बढ़े, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मंगल अदाकार फिल्म से रोला मिला। उन्होंने आज़ाद फिल्मों ट्रैप 2016 और ल्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ साबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार और दूसरा फिल्म फिर प्लेट्स अवार्ड जीता था, और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी स्ट्रीट 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और तनजिया था। लाडू 2010, मोनिका ओमाई डार्लिंग 2022 और दे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मज़ीद तारीफें हुई, और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हम जिंस प्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था, जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों, ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही रूफी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी, और इस सफ़र में उसकी कोचिंग की। दोस्तों, ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपके बताई कि इस मूवी में जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब, राजकुमार राव साहब, वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा, और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों। और ये 2024 में रिलीज़ हुई, और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है, और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है,
और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी मूवी होगी। तो बहरहाल अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नजर आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही, माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी, और जेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया, फिर बाद में इसको इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा, और इसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। तो इसके साथ प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है, और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज़ का तावन भी इनके साथ है, और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है, और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे। यानी कि इन सारों ने मिलकर ये मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव, और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोल की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशलवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है अदेश, और उसके साथ विशाल मिश्रा तनशिक बागची जानी इचनत योवा हानी भोनी धोर्व ढावला और स्कोर जोहन स्टीवर धूरी प्रोडक्शंस कंपनीज ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं। अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो री डायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं, और राजकुमार जो है ना यहाँ री डायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है, और इसकी जो पैदाइश ही वो दोस्तों 1984 में हुई, और इसकी जो इसका मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों कोई 39 साल, और गढ़गांव हरियाणा इंडिया अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पेशा वराना अदाकार फाल साल 2010 साल का मुकम्मल फहरिस्त श्री खयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, और उनकी 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं, और कई तारीफों के वसूल करदा है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं।
2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया और फिल्मों गेम्स ऑफ वार से पोर्ट लॉट 2 और द लास्ट दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की और शहद और जिक्र में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मामन किरदार के साथ आगे बढ़े, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मामन अदाकार फिल्म से रोला मिला। उन्होंने आजाद फिल्म ट्रैप्ड 2016 और न्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ साबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार और दूसरा फिल्म फेयरप्लेट्स अवार्ड जीता था और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉरर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी ओ तंजिया था। लाडू 2010, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और बे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मज़ीद तारीफें हुई और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हम जिस प्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था, जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों, ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जुनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफ़र में उसकी कोचिंग की। दोस्तों, ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपके बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब राजकुमार राव साहब वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों। और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी ही मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नज़र आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और जेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के
रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों, प्रिंस फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इसको इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी, उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा, और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। तो इसके साथ प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर, करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है, इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है, और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज का तावन भी इनके साथ है, और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है, और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि इन सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव, और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोल की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशरवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है देश, और उसके साथ विशाल मिश्रा, तनशिक बागची, जानी इचनत, योवा हानी, भोनी भोर ढौला, और स्कोर जोहन स्टीवल एधूरी प्रोडक्शंस कंपनीज, ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री स्क्रीन जो है लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं, अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो हरी डायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं, और राजकुमार जो है ना यहाँ हरी डायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है, और इसकी जो पैदाइश है वो 2 अगस्त 1984 में हुई, और इसकी जो इसका मौजूदा उम्र है वो है उन दोस्तों कोई 39 साल, और गढ़गांव हरियाणा इंडिया, अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेशा वराना अदाकार, फॉल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त, श्री हयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, और उनकी 13 अगस्त को इनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं, और कई तारीफों के वसूल करता है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा दस से अपनी अदाकारी का आगाज किया, और फिल्मों गेंद और वाद से पोर्ट लाड 2 और द लाश दी इंस्टर लाइन्स
दोनों 2012 इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराहे जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की और शहद और जिक्र में वकील शर्मा का इन तस्वीर बशीर ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मंगल किरदार के साथ आगे बढ़े। इसके बाद इन्हें बेहतरीन मंगल अदाकार फिल्म का रोला मिला। उन्होंने आजाद फिल्मों क्रैप्ट 2016 और न्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ सबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार और दूसरा फिल्म फिल्मस अवार्ड जीता था और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हार कॉमेडी सिस्ट्री 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी वो तनजिया था। लाडू 2010, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और बे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मज़ीद तारीफें हुई और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हम जिंस परस्त आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफर में उसकी कोचिंग की। दोस्तों ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपके बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब राजकुमार राव साहब वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नजर आएगा और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों। और ये 2024 में रिलीज हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है तो यकीन अच्छी मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नजर आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही, माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और जेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसायल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अरसे के लिए शूटिंग को रोक दिया गया
फिर बाद में इसको इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी इसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। तो इसके साथ प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है और इसके अलावा अजी स्टूडियोज़ का तावन भी इनके साथ है और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे। यानी कि उन सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोज के नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशरवाल ने की है, एडिट नितिन देश की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है देश और उसके साथ विशाल मिश्रा, तनशिक बागची, जानी इचनत, योवा हानी, भोनी धोर्फ ढावला और स्कोर जोहन स्टीवन धूरी, प्रोडक्शंस कंपनीज ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूट बाई जी स्टूडियोज, रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024, रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है, कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार कर रहे हैं अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो रीडायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं। और राजकुमार जो है ना यहाँ रीडायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है और इसकी जो पैदाइश है वो दोस्तों 1984 में हुई और इसकी जो इसका मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों कोई 39 साल और गढ़गांव हरियाणा इंडिया अलमा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पेशा वराना अदाकार फाल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त श्री खयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं और उनके 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्में नजर आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल करता है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसक और धोखा दस से अपनी अदाकारी का आगाज किया और फिल्मों गेम्स और वाद से पोर्ट लाट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की और शहद और जिक्र में वकील शहजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015
और बरेली की बर्फी 2017 में मांग केदार के साथ आगे बढ़ी, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मांग अदाकार फिल्म से रोला मिला। उन्होंने आजाद फिल्मों ट्रैप 2016 और न्यूट्रन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ साबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार और दूसरा फिल्म फ्लेक्स अवार्ड जीता था। और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। रॉक की हार्ड कॉर मेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और तंजिया था। लाडू 2010, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और दे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मज़ीद तारीफें हुई और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हमजिंसप्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फिर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था, जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों, ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफर में उसकी कोचिंग की। दोस्तों, ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब राजकुमार राव साहब वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा। और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों, और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है तो, और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है तो ये भी ना अच्छी मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की फास्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नज़र आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और जयेश शर्मा कुमाद मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों, फोटोग्राफी का आगाज इस मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में।
तो इसका प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर। करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है, इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है। और इसके अलावा जी स्टूडियोज़ का तावन भी इनके साथ है और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है। और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि उन सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव, और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोल की नज़र में आएंगी। और सिनेमाटोग्राफी अनिया गोसरवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है देश, और उसके साथ विशाल मिश्रा, तनशिक बागची, जानी इचनत, योवा हानी, भोनी ध्रुव ढाला और स्कोर जोहन स्टीवन धूरी, प्रोडक्शंस कंपनीज ड्रामा प्रोडक्शंस, जी स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं, अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो रीडायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं। और राजकुमार जो है ना यहाँ रीडायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है और इसकी जो पैदाइश है वो दोस्तों 1984 में हुई, और इसकी जो इस टाइम मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों 39 साल। और गढ़गांव हरियाणा इंडिया, अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेशा वराना अदाकार, फाल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त, श्री खयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, और उनकी 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल करता है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया, और फिल्मों गेम्स और वासेपुर लाट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की, और शहद और जिक्र में वकील शर्मा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मंगल किरदार के साथ आगे बढ़े, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मंगल अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने आज़ाद फिल्मों ट्रैप्ड 2016 और न्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ सबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार, और दूसरा फिल्म
फिल्म्स अवार्ड जीता था और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और तंजिया था। लाडू 2010, मोनिका ओमाई डार्लिंग 2022 और दे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मज़ीद तारीफें हुई और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हम जिन्स प्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फिर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही रूफी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जुनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफ़र में उसकी कोचिंग की। दोस्तों ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपके बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब राजकुमार राव साहब वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है तो और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है तो यकीन अच्छी मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नजर आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और राजेश शर्मा कुमाद मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिम भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया, फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो फिल्म बच गई थी स्टोरी उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। तो इसके साथ प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज का सावन भी इनके साथ है और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में
प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि उन्होंने सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव, और उसके साथ हिरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोक की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशरवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है अजदेश, और उसके संग विशाल मिश्रा, तनिष्क बागची, जानी किचनत, योवा हानी, भोनी भोर्ग ढाला और स्कोर जोहन स्टीवल धूरी प्रोडक्शंस कंपनीज, ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोस, डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं, अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो रीडायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं, और राजकुमार जो है ना यहाँ रीडायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी उसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है और इसकी जो पैदाइश है वो दोस्तों 1984 में हुई, और इसकी जो इसका मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों कोई 39 साल, और गढ़गांव हरियाणा इंडिया, अल्मा मेहतर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेशा वराना अदाकार, फाल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त, श्री खयात पुत्र लखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, उनके 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल भी कर वसूल करता है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया, और फिल्मों गेम्स ऑफ वाद से पूर्व लाट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की, और शहद और जिक्र में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मंगल किरदार के साथ आगे बढ़े, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मंगल अदाकार फिल्म से रोला मिला। उन्होंने आजाद फिल्मों ट्रैप्ड 2016 और न्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ साबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार, और दूसरा फिल्म प्लेट्स अवार्ड जीता था, और बाद इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी वो तंजिया था, लाडू 2010, मोनिका ओमाई डार्लिंग 2022 और दे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मजीद तारीफें हुई, और इन्होंने बधाई दो
2022 में एक करीबी हमजिंसप्रस्त आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फिर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था, जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों, ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही रूफी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जुनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफर में उसकी कोचिंग की। दोस्तों, ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो हमने आपको बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब राजकुमार राव साहब वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों। और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नजर आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और जेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों, प्रिंस फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी उसको फिर इसमें मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। तो इसके साथ प्रोड्यूस बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने की है और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज का तावन भी इनके साथ है और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि इन्होंने सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोड की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशरवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं
तो उसका नाम है अध्यक्ष, और सब विशाल मिश्रा, तनशिक बागची, जानी किचनत, योवा हानी, भोनी धोर्व, ढावला और सकोर, जोहन स्टीवल, धूरी प्रोडक्शंस कंपनीज, ड्रामा प्रोडक्शंस, जी स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं, अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो रीडायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं। और राजकुमार जो है ना यहाँ रीडायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी उसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है, और इसकी जो पैदाइश है वो दोस्तों 1984 में हुई, और इसकी जो इस टाइम मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों 39 साल। और गढ़गांव हरियाणा इंडिया, अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेशा वराना अदाकार, फॉल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त, श्री ख्यात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, और उनकी 13 अगस्त को इनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं, और कई तारीफों के वसूल भी कर वसूल करता है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को 100 फहरिस्त में शामिल है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया, और फिल्मों गेंस और वाद से पोर्ट लाट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइम्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की, और शहद और जिक्र में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2017 और बरेली की बर्फी, 2017 में मामा किरदार के साथ आगे बढ़े, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मामा अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने आज़ाद फिल्मों ट्रैप्ड 2016 और न्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ साबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार और दूसरा फिल्म फेयर प्लेट्स अवार्ड जीता था, और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और तंजिया था। लाडू 2010, मोनिका ओमाई डार्लिंग 2022 और दे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मजीद तारीफें हुई, और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हमजिंस प्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है, और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था।
जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जुनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफर में उसकी कोचिंग की। दोस्तों ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब राजकुमार राव साहब वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नजर आएगा और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों। और ये 2024 में रिलीज हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है तो यकीन अच्छी मूवी होगी। दोबारा अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नजर आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और जेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिम भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों प्रिंस फोटोग्राफी का आगाज इस मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो बच्चा जो फिल्म बच गई थी स्टोरी इसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। तो इसका प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज़ का तावन भी इनके साथ है और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि इन्होंने सारों ने मिल के ये मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोल की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशलवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है देश और इसके साथ विशाल मिश्रा तनशिक बागची जानी इचनत योवा हानी भोनी धोर्फ धौला और स्कोर जोहन स्टीवन धूरी प्रोडक्शंस कंपनीज ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूट बाई जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024
रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार इस मूवी में मेन किरदार कर रहे हैं। अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो रीडायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं। और राजकुमार जो है ना यहाँ रीडायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है और इसकी जो पैदाइश है वो दोस्तों 1984 में हुई और इसकी जो इस टाइम मौजूदा उम्र है वो है उन दोस्तों की 39 साल। और गढ़गांव हरियाणा इंडिया अलमा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री ट्यूब ऑफ इंडिया पेशा वराना अदाकार फाल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त श्री हयात उत्तर लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त। राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं और उनके 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नजर आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल करता है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया और फिल्मों गेम्स और वासेपुर लाट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइम्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की और शहद और जिक्र में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मांग किरदार के साथ आगे बढ़े। इसके बाद इन्हें बेहतरीन मांग अदाकार फिल्म से रोला मिला। उन्होंने आज़ाद फिल्मों ट्रैप 2016 और ड्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ साबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार और दूसरा फिल्म फेयर प्लेट्स अवार्ड जीता था और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी वो तंजिया था। लाडू 2010, मोनिका ओमाई डार्लिंग 2022 और दे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मजीद तारीफें हुई और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हमजिंस प्रेस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही रूफी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं।
वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी और इस सफर में उसकी कोचिंग की। दोस्तों ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपके बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं वो जी राव साहब, राजकुमार राव साहब, वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा। और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों, और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी मूवी होगी। तो बहरहाल अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नज़र आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी और जयेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों फोटोग्राफी का आगाज मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अरसे के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो बच्चा जो फिल्म बच गई थी स्टोरी उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। तो इसका प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसी ने किया है और इसके अलावा जी स्टूडियोज़ का तावन भी इनके साथ है और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि इन सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोल की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है अदेश और उसके साथ विशाल मिश्रा, तनशिक बागची, जानी इचनत, योवा हानी, भोनी धुर्फ ढाला और स्कोर जोहन स्टीवन धूरी प्रोडक्शंस कंपनीज, ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो रीडायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं, और राजकुमार जो है ना यहाँ रीडायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है
और इसकी जो पैदाइश आई वो दोस्तों अगस्त 1984 में हुई, और इसकी जो इस टाइम मौजूदा उम्र है वो है दोस्तों कोई 39 साल, और गढ़गांव हरियाणा इंडिया। अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पेशा वराना अदाकार फाल साल 2010 का हाल का मुकम्मल फहरिस्त श्री खयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड की मुकम्मल फहरिस्त राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं, और उनके 13 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई, और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्मों में नज़र आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल कंदा है, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखा 2010 से अपनी अदाकारी का आगाज किया, और फिल्मों गेम्स ऑफ वाद से पोर्ट लॉट 2 और तलाश दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की, और शहद और विक्टर में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनकी अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मांगन किरदार के साथ आगे बढ़े। इसके बाद इन्हें बेहतरीन मांगन अदाकार फिल्म से रोला मिला। उन्होंने आजाद फिल्मों ट्रैप्ड 2016 और न्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ सबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार, और दूसरा फिल्म फिर फ्लेक्स अवार्ड जीता था, और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और तंजिया था। लाडू 2010, मोनिका ओमाई डार्लिंग 2022 और बे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मजीद तारीफें हुई, और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हम जिन्स फर्स्ट आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है। मिस्टर एंड मिसेस माही 2024 की हिंदी जबान की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी शरण शर्मा ने की है, और इसे जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की है। इसका ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था, जबकि फिल्म बंदी मई 2022 से मई 2023 तक हुई थी। फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज हुई है। दोस्तों ये जो मूवी है एक नाकाम क्रिकेटर और महमा एक डॉक्टर एक तयशुदा शादी की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक ही उर्फी नाम माही के साथ वो एक साथ मिस्टर और मिसेज माही बन जाते हैं। वो जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत और जुनून को दरियाफ्त कर लेते हैं। आखिरकार मंदरा ने अपनी बीवी में क्रिकेट सलाहतों को देखा और इसे क्रिकेटर बनने के लिए अपने ख्वाब का ताकुब करने की तरगीब दी, और इस सफर में उसकी कोचिंग की। दोस्तों ये है जी इस मूवी की स्टोरी, जो कि हमने आपके बताई कि इस मूवी में जो जानवी कपूर है वो आपको क्रिकेटर के रोल में नजर आएगी, जबकि जो इस मूवी के हीरो हैं
वो जी राव साहब, राजकुमार राव साहब वो बीवी की सपोर्ट करते आपको दिखाई देगा। पहले उसकी मुखालफत करेगा, जब बाद में फिर वो बीवी का साथ देते आपको नज़र आएगा। और ये रोमांटिक मूवी भी है दोस्तों, और ये 2024 में रिलीज़ हुई और कुछ ही दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है। और बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने के काबिल है। स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है और इसके अलावा जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यकीन अच्छी मूवी होगी। तो बहरहाल अब इस मूवी की कास्टिंग की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। इस मूवी में राजकुमार राव बतौर मंदरा माही अग्रवाल के रोल में नज़र आएंगे। जानवी कपूर बतौर माही अग्रवाल की जो है ना वो माही अग्रवाल की बीवी होगी। और जयेश शर्मा कुमार मिश्रा मेंद्रा के वालिद के तौर पर इस मूवी में नज़र आएंगे। अभिषेक बनर्जी पूर्णिंद भट्टाचार्य जरीना वहाब अरजीत तनेजा के रोल में आपको इस मूवी में नज़र आएंगे। फिल्म का ऐलान 22 नवंबर 2021 को करण जौहर ने किया, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर ने अदाकारी की थी। फिल्म बंदी जो है ना दोस्तों, फोटोग्राफी का आगाज इस मूवी का जो है ना वो 9 मई 2022 को हुआ था। फिल्म बंदी 1 मई 2023 को मुकम्मल हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान जानवी कपूर को दोबारा कंधे की नकल हरकत में पहले थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर कुछ अर्से के लिए शूटिंग को रोक दिया गया। फिर बाद में इस मूवी की शूटिंग की गई और जो है जानवी कपूर ने फिर बाद में ये जो मूवी है ये ज्वाइन कर लिया। जो क्या जो फिल्म बच गई थी स्टोरी, उसको फिर इसने मुकम्मल किया। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों। इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है शरण शर्मा, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है निखिल मल्होत्रा, और उसके साथ शरण शर्मा भी साथ दे रहे हैं राइटर में। और इसके साथ प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी पर खर्चा उसने किया है, और इसके अलावा अजीज स्टूडियोज का तावन भी इनके साथ है, और हीरो याश जौहर ने भी इनका साथ दिया है। और इसके अलावा अपूर्वा मीठा भी इस मूवी में प्रोडक्शन करते आपको दिखाई देंगे, यानी कि इन सारों ने मिल के मूवी बनाई है, सारों की इन्वेस्टमेंट है इस मूवी में। अच्छा जी, इस मूवी में मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार राव, और उसके साथ हीरोइन की बात करें तो जानवी कपूर इस मूवी में आपको रोल की नज़र में आएंगी। और सिनेमेटोग्राफी अनिया गोशलवाल ने की है, एडिट नितिन बेस्ट की है, म्यूज़िक और अगर सॉन्ग की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी के जिसने म्यूज़िक और गाने वगैरह लिखे हैं तो उसका नाम है अध्येश, और उसके साथ विशाल मिश्रा तनशिक बागची जानी इचनत योवा हानी भोनी भोर्फ ढावला और स्कोर जोहन स्टीवन तेजूरी प्रोडक्शंस कंपनीज ड्रामा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है इसकी जो 31 मई 2024। रनिंग टाइम इसका 139 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। राजकुमार जो इस मूवी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं, अब उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि वो कौन है। तो राजकुमार जो है ना वो री डायरेक्ट करता है सियासतदान के लिए, राजकुमार यादव सियासतदान भी हम इसे कह सकते हैं। और राजकुमार जो है ना यहाँ री डायरेक्ट करता है और हिंदुस्तानी सियासतदान के लिए भी इसका शुमार किया जाता है। राजकुमार जो है ना ये एक एक्टर है, और इसकी जो पैदाइश है वो दोस्तों अगस्त 1984 में हुई, और इसकी जो इसका मौजूदा उम्र है वो है उन दोस्तों कोई 39 साल। और गढ़गांव हरियाणा इंडिया अल्मा मैटर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पेशा वराना अदाकार फाल साल 2010 साल का मुकम्मल फहरिस्त श्री खयात पुत्र लिखिया पाम पाल 2021 अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त
राजकुमार राव की जो पैदाइश है वो 13 अगस्त 1984 को एक हिंदुस्तानी अदाकार हैं। उनकी 13 अगस्त को इनकी पैदाइश हुई और ये हिंदुस्तानी अदाकार हैं जो हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाते हैं। 2010 से अब तक 30 से ज़्यादा फिल्म में नज़र आ चुके हैं और कई तारीफों के वसूल करदा हैं। फिल्म एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एशिया के स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की मशहूर शख्सियत को की 100 फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अदाकारी की तालीम हासिल करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लोसेक और धोखाधड़ से अपनी अदाकारी का आगाज किया और फिल्मों गेम्स और बाद से पूर लाट 2 और द लास्ट दी इंस्टर लाइन्स दोनों 2012। इन्होंने 2013 में ड्रामों का काई पूजे में तनकीदी तौर पर सराही जाने वाले परफॉर्मेंस के साथ अपनी कामयाबी हासिल की और शहद और जिक्र में वकील शहद अजमा का इन तस्वीर कशी ने इन्हें बेहतरीन अदाकार नेशनल फिल्म अवार्ड और बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। राव का करियर की बात करें 2014 में इनके अलीगढ़, 2015 और बरेली की बर्फी, 2017 में मंगल किरदार के साथ आगे बढ़े, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन मंगल अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इन्होंने आज़ाद फिल्मों ट्रैप्ड 2016 और न्यूटन 2014 में मरकजी किरदार अदा किए। इसके साथ सबका ने इन्हें में इनका पहला अंग्रेजी फिल्म का किरदार दी वाइट टाइगर बेहतरीन अदाकार और दूसरा फिल्म फेयर प्लेट्स अवार्ड जीता था और बाद में इन्हें एक अदाकार के जरिए बेहतरीन कारकर्दगी का एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला था। राव की हॉर कॉमेडी 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और तनविया था। लाडू 2010, मोनिका ओमाई डार्लिंग 2022 और दे 2023 में इनकी अदाकारी के किरदारों के लिए मज़ीद तारीफें हुई और इन्होंने बधाई दो 2022 में एक करीबी हमजिंस आदमी के तौर पर अदाकारी के लिए बेहतरीन फिल्म का फेयर अवार्ड भी जीता है।